हे मार्शमेलोज, कैसे हैं आप सब? पता है आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ साउथ कोरियन ड्रामास की एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज को, जिसका नाम है ड्यूटी आफ्टर स्कूल। इस ड्रामा के अंदर इतने सारे इंटरेस्टिंग सीन्स है कि मेरा मन तो फिर से देखने का कर रहा था। आई होप कि आपको भी आज की वीडियो इतनी अच्छी लगी कि आपका मन भी इसे फिर से देखने का करे। तो बिना वक्त गवाए स्टोरी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ड्रामा की शुरुआत में हम कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से कुछ बाहर फील्ड में खेल रहे होते हैं तो कुछ क्लासरूम में बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, और इन्हीं में से एक लड़का अपनी बुक में बहुत सारे पर्पल बॉल्स का स्केच ड्रॉ कर रहा होता है। वो लड़का दिखने में पढ़ाकू लग रहा था। वो सोच रहा होता है कि कैसा होता अगर ये पर्पल बॉल्स आसमान में उड़ने के बजाय धरती पे आ जाती तो। दोस्तों, छुट्टी के वक्त वो अपने दोस्त को भी स्केचबुक दिखाता है। वो चलते चलते एक गर्ल यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि एक साल पहले अचानक पर्पल कलर के बहुत सारे बॉल्स पूरे आसमान में उड़ते हुए देखे गए थे। इन्हें देखकर सभी लोग हैरान थे। कुछ को लग रहा था कि ये कोई एलियंस है, कुछ सोच रहे थे कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ साइंटिस्ट ने भी इन बॉल्स के ऊपर रिसर्च की, मगर कोई भी खास जानकारी नहीं मिली। इतना ही नहीं, बल्कि कोरियन आर्मी ने भी अपने फाइटर प्लेन्स की मदद से इन्हें शूट करने की कोशिश की, मगर ये खत्म होने के बजाय टूटकर और भी बढ़ते चले गए। क्योंकि काफी दिनों तक इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए साइंटिस्ट के हिसाब से ये हवा में उड़ते बॉल्स इस दुनिया के लिए हार्मफुल नहीं थे। ऐसे ही वक्त बीतता गया और इन स्पेयर्स को सब नॉर्मल स्पेयर समझने लगे, मगर इनको क्या पता था कि आगे चलकर ये उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। आइए जानते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि एक रात के वक्त योंजू नाम का लड़का कई कोरियन स्टूडेंट्स की तरह गेमिंग कैफे में जाकर गेम खेल रहा होता है। दोस्तों, वो अपनी क्लास का टॉपर था और ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिलिट्री बेस कैंप में एक पर्पल स्पेयर आकर गिर गया था। वो सभी ऑफिसर्स इसे देखकर हैरान और परेशान थे। दोस्तों, उनमें से एक ऑफिसर इन स्पेयर्स को शूट करता है और अचानक वहाँ बहुत सारा धुआं फैल जाता है। इसके शूट करने के बाद उस पेयर में से चमकदार रोशनी निकलने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम योंजू के क्लासरूम को देखते हैं, जहां इन स्टूडेंट्स की क्लास टीचर यूरी इन्हें एग्जाम के रिजल्ट्स दे रही थी, और हर बार की तरह इस बार भी योंजू के मार्क्स सबसे ज्यादा आए थे। इसके बाद यूरी एक बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में इन्हें बताती है, जो कि ये थी कि इस बार इनके एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे। जब स्टूडेंट्स उनसे इसकी वजह पूछते हैं तो यूरी इन्हें डिफेंस मिनिस्टर का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें उन्होंने सभी 24 और उससे ज्यादा उम्र के स्टूडेंट्स को स्कूल में आर्मी ट्रेनिंग करवाने का फैसला लिया था, और सभी स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने और एक लेटर पे साइन करवाने के लिए कहा जाता है। इस लेटर के हिसाब से अब से स्कूल सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी लेंगे। इन्हें इसके लिए बोनस भी दिया जाएगा, और जो ऐसा नहीं करना चाहते वो घर से ही पढ़ाई करेंगे। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और यूरी क्लासरूम से बाहर चली जाती है। इनकी क्लास का एक स्टूडेंट योंजू को देखकर जलता था। वो उससे लड़ने लगता है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स खिड़की से आर्मी के सोल्जर्स को प्लेग्राउंड में आते हुए देखते हैं। अब इनके प्लेग्राउंड को एक ट्रेनिंग ग्राउंड के जैसा बना दिया गया था। रात को सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को उस फॉर्म के बारे में बताते हैं और उनके साइन लेकर अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स अब अगले कुछ दिन स्कूल में ही रहने वाले थे। कुछ देर बाद क्लासरूम के अंदर यूरी और आर्मी लीडर जिमिन की एंट्री होती है। वो सभी बच्चों को समझाते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन और उसके लीडरशिप क्वालिटीज को ऑब्जर्व करके एग्जाम के मार्क्स भी ऐड किए जाएंगे, इसलिए सभी अपना बेस्ट देना। इसके बाद बॉय स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट्स को सेपरेट रूम्स में अलॉट किया जाता है। यहाँ इन सबको हंसते खेलते देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गवर्नमेंट के इस फैसले को सीरियसली ले रहे थे। लड़कियां भी अपना मेकअप करने में बिजी थी, मगर तभी एक लेडी आर्मी ऑफिसर आकर उनकी इन हरकतों के लिए उनपे गुस्सा करती है और उनका सारा मेकअप का सामान उनसे ले लेती है। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहां ऑफिसर इन्हें बंदूक पकड़ने की ट्रेनिंग देने वाले थे, मगर स्टूडेंट्स फिर से ऑफिसर जिमिन को गुस्सा दिला देते हैं। दरअसल ये स्टूडेंट्स गन को ऐसे पकड़ रहे थे जैसे मानो कि ये कोई खिलौना हो। जिमिन उन्हें गुस्से में कहता है कि ये वो हथियार है जो तुम्हारी जान बचा भी सकता है और ले भी सकता है, इसलिए डिसिप्लिन के साथ सबको ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, और इसी कमांड के साथ उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। पूरे दिन ट्रेनिंग करने के बाद सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थक गए थे। उनमें से कुछ तो यहाँ से घर वापस जाना चाहते थे, मगर इनमें से उसी लड़के के पास फोन था जिसने योंजू से लड़ाई करी थी। वो अपने फोन का एक वीडियो बाकियों को भी दिखाता है, जिसमें कुछ सोल्जर्स जानवरों
को शूट कर रहे थे। ये देखने के बाद ये सभी हैरान हो जाते हैं और तभी उनमें से एक मोटा लड़का कहता है कि ये तो सिर्फ तभी किया जाता है जब या तो कोई वायरस अचानक सभी जानवरों के अंदर फैल गया हो या फिर जंग शुरू होने वाली हो। मगर इसी बीच जिमिन उनके कमरे में आ जाता है। योंजू सीधा जाकर जिमिन को उस लड़के के फोन के बारे में बताने लगता है। फिर उस लड़के और योंजू के बीच बहस होने लगती है जिससे जिमिन को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को क्लासरूम से बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये दोनों स्कूल से बाहर फील्ड में फिर से लड़ने लगते हैं और तभी अचानक एक और पर्पल स्फीयर वहाँ गिरती है। इस बॉल में से एक बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर निकलकर योंजू को पूरी तरह निगल लेता है। ये सब देखकर उस दूसरे लड़के की हवा टाइट हो जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस दूसरे लड़के को भी पकड़ने वाला था मगर जिमिन आकर उसे बचा लेता है और वो मॉन्स्टर फिर से बॉल जैसा बन जाता है। इसके बाद क्लास टीचर यूरी बहुत घबराई हुई थी। वो जिमिन से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि इन बॉल्स से कोई खतरा नहीं है। जवाब में जिमिन कहता है कि मैं बस अपने सीनियर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। अब किसी को योंजू और मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ मत बताना क्योंकि अगर हमने अचानक सबको बता दिया तो बाकी सभी स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे। इसके बाद टीचर उस लड़के से बात करके उसे समझाती है कि वो किसी को योंजू के बारे में ना बताए। जिमिन के सीनियर उनसे जल्दी जल्दी बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए कहते हैं। दोस्तों, खतरे को ध्यान में रखते हुए अब सभी स्टूडेंट्स की पहले से भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसके चलते स्टूडेंट्स अब बेहतर हो रहे थे। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमिन और बाकी ऑफिसर सभी बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं जिसमें वो उन्हें गन को ठीक तरीके से असेंबल करने के लिए कहते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अपना टास्क कंप्लीट करा मगर उनमें से एक लड़की नैंसी से ये काम नहीं हो पाया था। इस कोशिश में उसे शाम हो जाती है और उसके पसीने छूट रहे थे। यहां तक कि कुछ स्टूडेंट्स उस पे गुस्सा कर रहे थे मगर जिमिन बाकियों को डांटकर समझाता है कि अगर तुम मुश्किल वक्त में अपनी टीम के कमजोर साथियों का हौसला बढ़ाकर उन्हें हिम्मत नहीं देने के बजाय उन्हें अकेले छोड़ दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। दोस्तों, दूसरी ओर जिस पेयर ने योंजू को निगल लिया था उसके चारों ओर एक दीवार का घेरा बना दिया जाता है ताकि कोई और स्टूडेंट उसके आसपास ना रहे। अगले सीन में आरबी ऑफिसर स्टूडेंट्स के साथ अगले ट्रेनिंग सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में पूरी सड़क सुनसान थी और ये देखकर स्टूडेंट्स भी घबराए हुए थे। तभी अचानक जिमिन को खतरे का एहसास होता है और वो टीम के साथ चेक करने जा रहा होता है कि इतने में दो लड़के चुपके से खाना खाने के लिए स्टोर में घुस जाते हैं मगर टीचर ग्यूरी उन्हें वहाँ ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है और जिमिन को उन्हें ढूंढने के लिए कहती है और उनके जाते ही वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ उन्हें ढूंढने जाती है। इसी बीच जब एक लड़की रास्ते में पड़ी हुई गन को देख रही होती है तो उसे किसी का कटा हुआ हाथ दिखता है और वो डरकर चिल्लाने लगती है और फिर वो लड़का सबको बता देता है कि जरूर योंजू को भी उस मॉन्स्टर ने मार डाला होगा। ये सुनते ही बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, इनकी आवाज सुनते ही वहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं मगर यूरी बच्चों को भागने के लिए कहकर उन मॉन्स्टर्स को गन से शूट करती है मगर इसी बीच मॉन्स्टर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद वहाँ आर्मी ऑफिसर्स भी उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं। इसी लड़ाई में एक सोल्जर को भी बड़ी दर्दनाक मौत मिलती है। उन सबको देखकर यूरी और सभी बच्चे डरने लगते हैं। बाकी बच्चे खुद की जान बचाकर भाग रहे थे और इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की जिन्हो नाम के स्टूडेंट का पैर पकड़कर उसकी मदद मांग रही होती है मगर तभी एक मॉन्स्टर उस बेचारी को मार डालता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद ये मॉन्स्टर एक और लड़की को खाने की कोशिश करता है। वो उसकी टांग खींचने लगता है मगर वहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट्स भी मिलकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं मगर वो मॉन्स्टर उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर एक ऑफिसर शूट करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? क्या ये मॉन्स्टर सभी स्टूडेंट्स को मार डालेंगे? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और कमेंट करके मुझे इसी के जैसी कोई सीरीज भी सजेस्ट करना ताकि मैं उन्हें भी आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।